शरद, मैं समझता हूँ इन सब में आप सबसे सीनियर हैं, कई सालों से आप खेलते आए हैं और एक प्रकार से इस खेल की दुनिया के महारथी हैं। स्वर्ण पदक जीतने के बाद और जब आप श्रीजा के साथ पोडियम पर थे तो मैं देख रहा था कि कुछ सोचने में डूबे हुए थे, मन में क्या विचार आ रहे थे? उस दिन की वो लास्ट मैच थी, सुबह हम मेंस डबल्स में सिल्वर जीते थे और उसके बाद मेंस सिंगल्स भी खेला था सेमीफाइनल, उसके बाद ये लास्ट मैच था शाम को। तो मैं काफ़ी टायर्ड था एक तरह से, और श्रीजा अपना मैच सिंगल्स में हार गई थी तो काफ़ी रो रही थी, मैच से पहले भी काफ़ी रो रही थी। तो यही बोला कि ठीक है, खराब लगता है, सबको हारने पे खराब लगता है, बट अभी हमें और एक काम करना है, ये मेडल जीतना है, उसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं। तो जैसे वो मेडल जीते हम, तो थोड़ा बहुत मिक्स्ड इमोशंस थे, खुश भी थे, सिंगल्स में हार गए थे, मतलब श्रीजा सिंगल्स में हार गई थी, तो आई थिंक वहाँ पे एज अ सीनियर प्लेयर मैं थोड़ा आई कुड बिल्ड सम कॉन्फिडेंस इनटू इट। शरद, आप कॉमनवेल्थ में अब तक 13 मेडल जीत चुके हैं और मैं समझता हूँ कि पीटी की दुनिया में किसी भी भारतीय खिलाड़ी का ये सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस, बढ़िया परफॉर्मेंस कह सकते हैं। मैं ये जरूर जानना चाहूँगा, इतने लंबे समय से, और शायद आप पहला जब लिए थे मेडल तब शायद आप 24-26 साल के, ये सिर्फ फिजिकल फिटनेस ही कारण नहीं, एक मानसिक शक्ति भी होती है, कुछ बता सकते हैं जो और खिलाड़ियों को काम आ सके? जब से टेबल टेनिस खेलना शुरू किया प्रोफेशनली, तब से फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस पे काफ़ी ध्यान कॉन्सेंट्रेट करते आया हूँ, और जितना उम्र बढ़ रहा है बॉडी को उतना ही ज़्यादा दोनों ही, मतलब फिजिकल कंडीशनिंग और मेंटल कंडीशनिंग, क्योंकि मेंटल कंडीशनिंग में क्या होता है, मोटिवेशन चली जाती है, हर रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ता है और वही करना पड़ता है बार बार, बट जितनी बार हम करते हैं उतना बेटर हम होते हैं। तो यही लेके, यही उम्मीद लेके हर रोज़ अपना बेस्ट देना है, बोथ फिजिकली और मेंटली। और आई थिंक इन द रिसेंट टाइम्स भी आपका जो फिट इंडिया मोमेंट, ये सब भी आने में लॉट ऑफ अवेयरनेस आई है लोगों को फिटनेस के बारे में, और जो फिटनेस कोचेस है उनका भी नॉलेज जो है काफ़ी बड़ा है। हाँ श्रीजा, बताइए कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान एक तरफ से शरद सीनियर होते चले गए, इतने सारे मेडल ले चुके हैं और आप शुरुआत कर रही हो, जिस उम्र में उसने पहला मेडल लिया था उस उम्र में आप शुरुआत कर रही हो, यानी बहुत बड़ा अनुभव का फासला है, उम्र का फासला है, ऐसे में आपने बहुत बारीकी से शरद को ऑब्जर्व किया होगा, उसकी हर चीज को आप समझने का प्रयास करते हो, आपको उनके अनुभव का कितना फायदा मिला? हेलो सर, आई प्लेड विद शरद भैया फर्स्ट इन 2019 and this was the second time I played with him in the Commonwealth Games, and I feel very lucky to play with him, and but in the match I never felt as if I was playing with a senior player. He was guiding me and encouraging me for every point, and he was so friendly with me on and off the table, but I gave my best to match him. And he made me feel very comfortable and I was able to give my best. Srija, aap vyaktigat spardha mein kaansya padak wale match mein bahut acha khel liya na, sachmuch mein iski tareef bhi hui hai, ab to aapka hausla bhi buland ho gaya hoga aur sapne bhi bahut bade ban gaye honge, aage ki kya taiyari? Ji sir, commonwealth games aur national championship गोल्ड मेडल ने मुझे बहुत मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाया है,
और आगे एशियन गेम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक गेम्स में भी मैं ऐसे ही तैयारी करके इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश करूंगी सर। वाह शरद, टेबल टेनिस टीम के खिलाड़ी स्वाभाविक है कि एक दूसरे का हौसला बहुत बढ़ाते रहते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं और टीम के साथ इस बार मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट भी भेजे गए थे जो इन चीजों के विषय में आपके साथ लगातार संपर्क कर रहे हैं। ये जो प्रयास किया गया, इस प्रकार की एक एक्सपर्टाइज को जोड़ने का प्रयास हुआ, आप अनुभवी हैं, इतने सालों से खेल रहे हैं, इस प्रयास को आप कैसे लेते हैं? सर आई थिंक ये टेबल टेनिस का टीम कई आई थिंक फर्स्ट टीम होगा जिनके साथ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट साथ में फील्ड में काम कर रहे थे सर। तो थैंक्स टू साई एंड फेडरेशन, जैसे सिंपल थिंग, जैसे श्रीजा हार गई थी वो सिंगल्स के सेमीफाइनल मैच और फाइनल्स पे जा रहे हैं, तो उन्होंने यही बोला कि ठीक है अभी ये वाला काम करते हैं, उसके बाद आगे जो है या जो हार गए हैं उसके बारे में सोचेंगे, बट फिलहाल अभी मैच है उसके बारे में हम पूरा स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उसी के हिसाब से हम खेलते हैं और हम गोल्ड जीत के आए। शरद, श्रीजा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अविनाश, सबसे पहले तो आपको बधाई। थैंक यू सर। यानी सचमुच में आपने कमाल कर दिया है और जब लोग आपकी विक्ट्री के बाद केनिया के ध्वज के बीच में हिंदुस्तान का ध्वज दिखाते थे, यानी सबको आपका चेहरा दिखता था, इतना कमाल आपने किया है। लेकिन अविनाश ये बताइए, 800 मीटर जो आखिरी थे, लोग उस वीडियो को भी बार बार देख रहे हैं, इतना कमाल का आप दौड़े, यानी पहले से कोई आपके मन में था कि इतने स्टेज के बाद ऐसी रणनीति, या उस समय ऐसे ही लग गया बस अब तो खेल पाना ही पाना है, क्या हुआ? सर मतलब ऐसे था कि जाने से पहले जब आपने बात की थी सभी खिलाड़ियों से, तो मतलब इतना मोटिवेशन था, जो आपने एक बात बोली थी कि दबाव में मत खेलिए, तो बस मेरा ये था कि इस इवेंट में केनियन जीतते ये नहीं है, मुझे सिर्फ दबाव में नहीं खेलना है, मुझे अपना बेस्ट देना है और इस मतलब कंपटीशन में चाहे कैसे भी हो मुझे इनको हरा के मेडल जीतना है। तो जो लास्ट 800 मीटर थी तब तक मैं फोर्थ नंबर पे चल रहा था, तो उस समय ऐसे लगा कि नहीं अभी मैं अकेला नहीं दौड़ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये वो टाइम है कि अब ये मेडल मतलब हम अपने देश के लिए मतलब उस इवेंट में मेडल जीतेंगे जिसमें मतलब हम सोचते कि हम केनियंस को नहीं हरा सकते। तो उसमें जब मैं 800 मीटर बचा था तो आगे आया और थोड़ा सा गोल्ड से दूर रहा। अविनाश, पदक जीतने के बाद आपने कहा था कि आप राष्ट्रगान नहीं सुन पाए, इसका आपको दुख, और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आपका वो भाव अभी भी आपके मन में भरा पड़ा है। आप अपने इस विजय को कम क्यों आंकते हैं? आपने सचमुच में देश का नाम रोशन किया है। हाजी सर, जैसे मतलब ऐसे लगता है कि जैसे हर खिलाड़ी का सपना होता है कि जब हम पोडियम पे खड़े हो और तब हमारा राष्ट्रगान बजे, तो जो उसमें खुशी होती है मतलब वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुझे लगता है कि मतलब मैं मेडल जीत गया, इसके पीछे मैं पिछले 4 महीने से अमेरिका में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे जो भारत सरकार है हमारे, तो उसमें टॉप्स ने, साई ने, फेडरेशन ने मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो 4 महीने में मुझे केनियंस के साथ खेलने मतलब कंपटीशन करने का मौका मिला, तो
तो मेरे अंदर का जो डर था वो निकल गया था कि मैं जब ट्रेनिंग करता हूँ इनके साथ और मैं कंपटीशन भी खेल रखे तो मैं इनको हरा सकता हूँ, हम हिंदुस्तानी इनसे कम नहीं है। अविनाश, आपका मिजाज बिल्कुल एक फौजी का मिजाज है, तिरंगे की शान एक प्रकार से आपके जीवन का कण कण उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन पिछली बार आपसे मैंने पूछा था जब आप जाने वाले थे उसके पहले, और सहज भाव से मैंने पूछा था क्या देश को एक दूसरा मिल्खा सिंह मिलने वाला है क्या, और आपने सचमुच में ये साबित कर दिया। और मुझे लगता है आपका तो पुरुषार्थ है ही है, आपका संकल्प भी है और आप बहुत अनुशासित भी हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है फौज की रोटी का भी कोई कमाल है। हाँ जी सर, मैं जब आर्मी में ज्वाइन किया था 2012 में, तो आर्मी में 4 साल में मतलब जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग पूरा करने के बाद 4 साल जो आर्मी का ड्यूटी होता है एक सोल्जर का, वो करने के बाद मतलब मुझे आर्मी ने बहुत कुछ सिखाया कि एक डिसिप्लिन क्या होती है, एक आपको किसी चीज़ पे मतलब कैसे ध्यान किया जाता है, प्रेशर में कैसे मतलब लास्ट दम तक कैसे लड़ना है। तो वही चीज़ मेरे साथ इस कॉम्पिटिशन में हुई कि लास्ट तक ये नहीं था कि मैं मतलब पोडियम पे आ सकता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। हरमन जी नमस्कार। नमस्ते सर। पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को इस शानदार विजय के लिए और शानदार खेल के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। और फाइनल में भी आपने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी जज्बा आखिर तक। देखिए, जीत हार लगी रहती है, आपने इस टूर्नामेंट से देश के लोगों का, आपकी पूरी टीम के प्रति एक आकर्षण पैदा किया है, विश्वास पैदा किया है, और मुझे पक्का विश्वास है कि आखिरी लड़ाई जब आप लड़ रहे थे विजय के लिए, उसमें मुझे एक सकारात्मकता नजर आ गई थी। आप निराश नहीं थे, नेगेटिविटी नहीं थी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अगर मैं चाहूं कि इस बाकियों के ध्यान में आए, वो कौन सी सकारात्मकता आपके मन में उभर करके आ रही थी, क्योंकि कैप्टन का बहुत बड़ा रोल होता है। सर एक्चुअली वो मैच बहुत इम्पॉर्टेंट था और हम लोग उस सिचुएशन में भी थे कि वो मैच जीत सकते थे, लेकिन मुझे प्राउड इस चीज़ का था कि हमारी टीम ने यू नो लास्ट मोमेंट तक मैच में फ़ाइट करी, क्योंकि मैच हारने के बाद थोड़ा सैड फील हो रहा था, लेकिन मुझे बस एक ही बात याद आ रही थी आपकी कि जाने से पहले जैसे आपने बोला था कि मेडल मिले ना मिले लेकिन आप खुल के खेलना और पूरा पॉजिटिव रह के खेलना, तो अच्छा लगा कि जिस हिसाब से हमारी टीम ने खेला। क्रिकेट का तो चाहे वो यूके में रहने वाले भारतीय हो या हिंदुस्तान में रहने वाले हो, वो मौका छोड़ते ही नहीं है। और कई भारतीय परिवार आपका खेल देखने के लिए, आपका हौसला बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में आए थे, और वो भी कैमरा वालों के लिए भी बड़ा सरप्राइज होता था कि भाई ये क्या कमाल हो रहा है। लेकिन ये जो माहौल था, जिस प्रकार से सारे हिंदुस्तानी यूके में और खेल जगत के प्रिय, खेल में विश्वास करने वाले और भी लोग और देशों के भी थे, जिस प्रकार से आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे, इसने पूरे वातावरण में कैसे बदलाव लाया? सर बहुत अच्छा लगता है जब स्टेडियम में यू नो सारा क्राउड इंडिया इंडिया चेयर करता है, और हम लोग बहुत लकी है कि हम जहाँ भी खेलने जाते हैं बहुत सारे इंडियन फैंस आते हैं, और इस बार कॉमनवेल्थ में भी बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे क्रिकेट को यू नो इम्पोर्टेंस मिल रही थी और बहुत सारे फैंस आ रहे थे, हमें मोटिवेट कर रहे थे, और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें इस बार पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और इतने अच्छे क्राउड के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला। बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी पूरी टीम को, और आपने तो बहुत कमाल करके दिखाया है, इसलिए धीरे धीरे देश को पता चलेगा कि हमारी महिला खिलाड़ी
क्रिकेट की दुनिया में भी कितना बड़ा कमाल कर रही है, बधाई हो आपको। सात्विक, सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। अच्छा ये बताइए, जब आप फाइनल खेल रहे थे तो आप और चिराग और कैमरा का ध्यान उसी पर था। स्वाभाविक मेरा भी आकर्षण था कि ये खेल के मैदान पे क्या गुपचुप कर रहे हैं। सर कोर्ट में हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं सर, हम दोनों, मैं और चिराग, इसलिए हम लोग कोर्ट में बहुत स्पेशल है। अपोनेंट्स को भी डर रहते हैं लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग पूरा जोश में खेलते हैं, चिल्लाते हैं, एंजॉय करके खेलते हैं। तो जीतने के बाद भी हम लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं। तो फाइनल्स का दिन में जैसे सिंधु दीदी जीता हमारा पहला मैच, फिर उसके बाद लक्ष्य ने जीता था, फिर हम लोग सोचा कि हम लोग तीसरा गोल लेके जा रहे, तो हम लोग बहुत मोटिवेटेड था मैच का पहले, तो बहुत अच्छा लगा जीतने में गोल। देखिए सात्विक, मैं दूर से अनुभव कर रहा था, ज़्यादातर खिलाड़ी जब खेल के मैदान में होते हैं तब खेल से बढ़कर जय, विजय, मेडल, ये चीज़ें का एक प्रेशर होता है। खेल को खेल ही मानना, अरे ये तो खेल है, इस मिजाज से खेलना और खेल को खेल मान करके ही खेल में डूब जाना। सात्विक मैं देख रहा था कि आप और चिराग उस मिजाज में रहते हो ऐसा लगता है। सर हम जब पहले स्टार्ट किया था बहुत अनकंफर्टेबल था, क्योंकि वो मेरा सीनियर था और थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था। वो मेरा सीनियर था, मेरा ओपोनेंट था जूनियर में, मेरे को बहुत बार हराया, तो बहुत गुस्सा है मैं उसके ऊपर, लेकिन कभी सोचा नहीं वो मेरा पार्टनर हो जाएगा मेरा, तो बहुत अच्छा बंदा है सर। कोर्ट में बहुत कंफर्टेबल फील होता हूँ, सपोर्ट करते ही रहेगा कोर्ट में, और कोर्ट का बाहर में जब भी इंजूर हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, हर बार सपोर्ट करते ही रहेगा, केयर करते रहेगा, इसलिए बहुत अच्छा जमते हम दोनों का। तो डबल्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, रिलेशनशिप अच्छा रहना है। तो अच्छा, आप तो डायनेमिक डुओ के रूप में जाने जाते हैं दोनों, अब तो आपकी जोड़ी बहुत जानी मानी बन गई है। लेकिन भैया इतनी बार हम मिले, काफ़ी कुछ बातें हुई, क्योंकि हमें पहली बार पता चला कि तुम डांस की दुनिया में भी बड़े भारतीय हो। तो कभी कभी सेलिब्रेशन में अंदर से आ जाते हैं, थोड़ा गाना गाना आ गया तो नाच लेता हूँ कोर्ट पे। और कॉमनवेल्थ में भी बहुत सारे इंडियन सपोर्टर्स था कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाया थोड़ा नाचना, तो वो अभी बड़े जीत के बाद हम कोर्ट पे नाचना स्टार्ट कर दिया। वो थॉमस कप से स्टार्ट किया था, फिर अभी भी कंटिन्यू किया, फिर अभी नेक्स्ट भी बहुत जीत के हम बहुत नाचेंगे कोर्ट में। चलिए सात्विक, चिराग, डायनेमिक डुओ को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार सर। अब आपके कारण देश को पता चला कि ये भी एक कोई खेल होता है। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप सामने हो और हम आपसे बात कर रहे हैं। अभी क्या हुआ, कॉमनवेल्थ जाने से पहले एक दिन पहले मेरे भाई मेरे से पूछा कि तुम अगर मेडल जीतती हो तो तुम सबसे पहले काम क्या करोगी। तो हम सबसे पहले उसको बोले, सबसे पहले तो हम मोदी जी के साथ लंच करेंगे और दूसरा हम कपिल शर्मा शो में जाएंगे। मैं पक्का मानता हूँ कि देश के लोग जिस प्रकार से इस खेल से ज्यादा परिचित नहीं है, शायद लवली की इतनी बड़ी यात्रा से भी परिचित नहीं है। जब हम लोग खेलने के लिए गए, ये तो नहीं सोचे थे कि हम लोग गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे, बस सोचे थे कोई एक मेडल मिल जाए। तो फिर सर हम लोग क्वार्टर फाइनल पहुँचे तो फिर वो मैच जीत गए, फिर हम चारों के अंदर एक बहुत हौसला आया, फिर हम लोग सेमीफाइनल पहुँच गए। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा मैच न्यूजीलैंड के साथ था, वो भी मैच जीत गए। फिर सब लोगों ने बोलने लगा आप लोग तो इतिहास बना दिए। फिर हम लोग चारों मिले, फिर हम लोग बोले जब इतिहास ही बनाना है तो सिल्वर में क्यों, गोल्ड में क्यों नहीं बनाएंगे। लवली जी, लॉन बॉल एक
टीम गेम है जी सर, और किसी एक की गलती भी सबको भारी पड़ सकती है, और टीम के अंदर के इस माहौल एक दूसरे को समझना और उसके अनुसार तुरंत एक्ट करना, और उसमें लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है। आप इस विषय को बाकी साथियों को कैसे समझाएगी? सर, हमारे गेम में एक लीड होता है, एक सेकंड होता है, एक थर्ड होता है और एक स्कीप होता है। चारों का अपना अपना एक जगह है। जैसे हम लीड किए हैं तो हम उनको, मतलब हमारा एक क्या है कि हम लीड कर रहे हैं उनको एक शुरुआत देना, तो हम उनको स्टार्ट देते हैं कि अगला जो हमारा सेकंड है उसका मतलब मनोबल बढ़े, वो भी अच्छा स्टार्ट करे। फिर हमारा तीनों को, हमारी हम लोगों को गाइड हमारी स्कीप करती है सर, वो बताती है क्या करना है नहीं करना, हम लोग उनके हिसाब से चलते हैं। आपने एक संकल्प लेकर के चली थी और छठी मैया ने आपकी संकल्प को सुन भी लिया। छठी मैया सबसे ज्यादा आप पर प्रसन्न होगी क्योंकि आप उसको वादा करके गई थी। जी सर। अब मैं मानता हूं भारत के लिए, सबके लिए आपका ये गोल्ड मेडल मामूली विषय नहीं है। आप लोग कैसे सेलिब्रेट करेंगे आगे? सर, हम बस यही करना चाहते हैं। पहले मेरे लिए सेलिब्रेट यही होगा और हमारे टीम के लिए भी। पहले ये लॉन्ग बॉल को कोई नहीं जानते थे, आज सब लोग जानते हैं, बस मेरे लिए यही सेलिब्रेशन है। चलिए, बहुत बहुत बधाई छठी मैया के, आप पर हमेशा आशीर्वाद बने रहे और आप इसी एक ध्यान होकर के ऐसे खेलों में विजय पताका फहराते रहे। सोनल नमस्ते, केम छे? मजा में सर, तमे केम छो सर? आपड़े एवा नेवा। सोनल, हाँ सर, आपने अपना पदक देशवासियों के साथ ही परिवार को भी समर्पित किया है। किसी भी खिलाड़ी के लिए परिवार का समर्थन एक बहुत बड़ा सामर्थ्य होता है। आपके अपने मन में जब परिवार, उनका समर्थन, सपोर्ट, ये सब देखती हो तो क्या लगता है? मुझे फैमिली का बहुत ही सपोर्ट मिला है, साथ ही मेरे हस्बैंड है रमेश चौधरी, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर है व्हीलचेयर में। आफ्टर मैरिज उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है, एक ही फील्ड है, वो मुझे समझते हैं और मुझे मेरी हर ज़रूरत को वो पूरी करते हैं। और मेरी फैमिली तो मुझे पहले से ही सपोर्ट करती थी और इसीलिए सर मेरा आज ब्रॉन्ज मेडल है। देखिए, आपको और भाविना को मैं सालों से जानता हूँ और आप दोनों बहुत गहरे दोस्त रहे हैं। ये दोस्ती खेल के मैदान में आप दोनों को कितना लाभ पहुंचाती है? हाँ सर, हम 2009 से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हम फ्रेंड नहीं, हम दोनों बहने हैं। वो मेरे से बड़े हैं तो कभी कभी मुझे तो डांट भी पड़ती है उनसे, मैं ज़्यादा मस्ती करती हूँ तो। और गेम में सर हम डबल पार्टनर है तो कभी कभी मैं डीमोटिवेट होती हूँ तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं। और जैसे गेम में होता है सोनल फाइट, हमें हारना नहीं है, बस ये हमें मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं वैसे। भाभी ना सिर्फ तुम्हें डांटती, ऐसा नहीं है, मुझे मैनेजमेंट वाले बताते हैं उसको भी डांटती है ये। और सबको बताती है कि मैं प्रधानमंत्री के गांव से हूँ। देखिए, इस बार आप ठान कर गई थी कि पदक जीतना ही है, आप बताइए आगे का क्या सोचा है? सर, मेरा पैरा ओलंपिक्स में मेडल नहीं आया था तो मुझे बहुत अंदर से मैं दुखी हो गई थी कि मेरा मेडल क्यों नहीं आया। पर मैंने तब से, मैंने कॉमनवेल्थ में मेरा सिलेक्शन हुआ तब से मैंने ठान ली थी कि कॉमनवेल्थ में मैं मेडल ना ला सकूं तो कोई बात नहीं, पर मुझे अच्छा खेलना है, बस अच्छा खेलूंगी तो मेडल तो आएगा ही। और सर, अभी मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम और पैरा ओलंपिक्स जो पेरिस में है,
उसमें मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ। चलिए, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। सुधीर, नमस्कार सर। आपने तो बड़ा इतिहास बना दिया है। मैं समझता हूँ इस बार कॉमनवेल्थ में ऐसे कई नए नए इतिहास रचे गए हैं और मैं मानता हूँ कि आप लोग भी अनुभव करते होंगे कि देश में खेल के दुनिया में सिर्फ सरकार नहीं, सिर्फ इकोसिस्टम नहीं, व्यवस्थाएं नहीं, युवा मन में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब खिलाड़ी खेल को खेल मान करके खेल में विजयी होने के मिजाज का बन चुका है। आपको स्वयं को सुधीर क्या बदलाव नजर आ रहा है? बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा बदलाव नजर आ रहा है सर। हमारे को बिल्कुल जो यहीं पे इंटरनेशनल वाली सुविधाएं मिल रही हैं। और सर, अभी जैसे वहाँ पे मेरा मेडल आया तो सर हमारे गेम में नाइजीरिया का सर बिल्कुल ही दबदबा है, हर वेट में उनके ही खिलाड़ी हैं सर। तो वो भी यही बात कर रहे थे कि अरे एकदम से ऐसे कैसा हो गया। तो सर मैं और मेरे सर के साथ में तो हमने उनके अपने बारे में बताया कि इंडिया में ये है ये है। तो सर पूरी की पूरी टीम नाइजीरिया की ये बोल रही है कि हम सब इंडिया से ही खेलेंगे अगली बार। तो हम सर बिल्कुल के बिल्कुल कि हमको तो आपके बराबर एक भी सुविधा नहीं है। और सर जो मेरे वेट में सेकंड आया है सर, वो 3 बार का कॉमनवेल्थ सर गोल्ड मेडलिस्ट था सर वो। सुधीर, आप तो हरियाणा सरकार में कोच की तरह भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आप एथलीट भी हैं, आप अपनी तैयारी के लिए यानी एक प्रकार से कोच के रूप में औरों की भी चिंता करना और खुद को भी अपने लिए समय निकालना, ये टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत रहती है और एक्स्ट्रा शरीर से भी काम लेना पड़ता है, कैसे करते हैं आप? जी सर, इसमें सर डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा मदद करता है सर। और प्रैक्टिस सर मैं साथ में ही करता हूँ बच्चों के सर, बिल्कुल किसी भी टाइम की मतलब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं सर, बिल्कुल भी टाइम में मेरे को बिल्कुल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि मैं अपने आप को मैनेज ना कर सकूँ सर। चलिए सुधीर, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। तुलिका जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं सबसे पहले आपकी माता जी को प्रणाम करता हूँ, आपकी माता जी का अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने कितनी परेशानियां झेली लेकिन कभी भी लक्ष्य से दूर नहीं अपने आप को जाने दिया। आपको भी अपनी परेशानियां से परिचित नहीं होने दिया, आपका हौसला बुलंद करती रही। देश के लिए कुछ करने के लिए आपकी माताजी ने इतनी आपको प्रेरणा दी। आज आप मेडल जीत चुकी हैं। मैं जानता हूं बड़ी बड़ी कठिन यात्रा से आप गुजरी हो, शायद देश के नौजवानों को आपके जीवन की हर बात बहुत बड़ी प्रेरणा दे सकती है। जब मैं छोटी थी तो माँ मुझे मतलब वहाँ से अपने घर से स्कूल लेके जाती थी और उन्हें उसके बाद ऑफिस जाना होता था। फिर अपना ऑफिस छोड़ के जब मेरा स्कूल ख़त्म होता था, ऑफिस से मतलब स्कूल से मुझे पिक करा और घर छोड़ा, तो उनका थोड़ा ऐसा था। और ये भी था कि मेरा स्पोर्ट्स साथ साथ में था और इतना मतलब ये नहीं था कि स्पोर्ट्स में हर चीज़ करें, क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स में थोड़ा किट विट का थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो महंगा है। तो मम्मा ने मतलब कभी फील नहीं होने दिया कि मैं कुछ नहीं कर, मतलब मैं सिंगल हूँ। मम्मा कहती कि मैं ही तेरी मम्मी हूँ, मैं ही तेरा पापा हूँ, मैं सब कर दूँगी तेरे लिए, तू टेंशन मत ले। तुलिका, सचमुच में आपकी माताजी ने बहुत त्याग किया है और एक संकल्प लेकर के आपको जीना सिखाया है। अच्छा, टूर्नामेंट के दौरान आपको इंजरी हो गई और फिर भी आपने उसकी परवाह नहीं की, अपने आप को झोंक दिया। क्या ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये कैसे किया आपने? सर, फाइट से पहले मतलब मेरी नी पे इंजरी हो गई थी तो मेरा ध्यान उस पे गया नहीं था, बट पेन था उधर। मैंने सोचा कोई बात नहीं, ये
पहला चांस है तो इसमें डरने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे मतलब थोड़ी सी टेपिंग करी नी पे, फिर फाइट में गए। लास्ट में भी एक बार ही एक पॉइंट आया था जहाँ पे मैं हम दोनों का पैर फंस गया था, तो वहाँ पे नी पे और पेन हो गया। फिर रेफरी ने पूछा लाइक आर यू ओके, मैंने कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा कंटिन्यू कर सकते हो, हाँ। बट पहले एक स्कोर लिया, फिर लास्ट में ट्राई करा मैंने कि फिर से, लास्ट 30 सेकेंड बचे थे तो मैंने ट्राई करा कि अपना स्कोर लेती हूँ, बट वो उल्टा पड़ गया। और तुलिका फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। पूजा मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। अपने देश में परिणाम से ज्यादा महत्व प्रयास को दिया जाता है और आपने अपना पूरा प्रयास किया और आपने देखा होगा कि आपका एक छोटा सा इंटरव्यू सिर्फ आपके लिए नहीं, कॉमनवेल्थ से जुड़े हुए जितने देश थे जो खेल जगत को जानते हैं इन सबको प्रभावित कर गया। ये जो आपका मिजाज था वो बहुत बड़ी अहमियत वाला मिजाज था, लेकिन जब आपको पता चला कि मेहनत में कुछ कमी रह गई, ये इंट्रोस्पेक्शन, वरना कभी क्या होता है अरे वो कोच बहुत देर से आए थे, वो फलाने ने ऐसा कर दिया था, वो एम्पायर ने मुझे गलत सूचना दी थी, आपने ऐसा नहीं किया, आपने आत्मचिंतन को ही बल दिया। ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है और पूजा यही क्वालिटी आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, ये मेरे शब्द लिख करके रखिए। थैंक यू सर। आपको क्या लगा, क्या आपकी मेहनत में, आप बार बार कह रही मेहनत में कुछ कमी रहेगी, क्या कहती हैं आप? मैं जीत रही थी सर वो कुश्ती, तो लास्ट की 9 सेकंड रह रही थी, मैं उससे आगे चल रही थी और समझ में नहीं आया मतलब क्या हो गया ऐसा, मतलब एकदम से सुन होगी मैं तो जैसे ये हारी, तो मैं ये क्या कर दिया हमने। देखिए पूजा, आपने जीवन की खेलकूद की शुरुआत लड़कों को अखाड़ों में पीटा है आपने, लड़कों के साथ खेलते खेलते आपने महारत हासिल की है और मैं समझता हूं उसके कारण आपके पास एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस है। क्या आपको लगता है कि आपके पिताजी ने आपको जिस प्रकार से प्रोत्साहित किया और जिस प्रकार से आपने परिवार ने प्रोत्साहित किया और उस आयु में लड़कों के साथ खेल करके और वो भी ये खेल खेल करके खुद को ताकतवर बनाने, अपने आप बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा? हाँ सर, सर हमारे गांव में तो कोई लड़की रेसलिंग करती नहीं है, तो मैंने बोला तो पापा बोले कि कोई करती नहीं तो कैसे लेके जाएं तुझे अखाड़े में, तो सर मैंने कहा लड़कियां नहीं करती, लड़के तो करते हैं, मैं उनके साथ ही प्रैक्टिस कर लूँगी। तो पापा बोले चल ठीक है देखते हैं, शुरू में तो मना किया सर, लेकिन उसके बाद इतना साथ दिया। मैं वहाँ पर रो रही थी सर, मैं मेरे परिवार को याद करके रो रही थी कि हम 4 भाई बहन हैं सर, छोटे छोटे, मतलब मेरा भाई और मेरी बहन भी छोटे हैं, जो वो भी बोलते हैं बेबे तू खा ले, हमने की कुश्ती लड़नी है, तन्ने खेलना है, तो सर उस चीज़ ने याद कर कर मैंने घना दुख आ रहा था। चलिए पूजा बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। नगद जी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और एक तरफ आपकी माँ का जन्मदिन था और आप बहुत दूर खेल खेल रही थी, लेकिन आपने माँ को वादा किया था कि इस बार माँ को उनके जन्मदिन की गिफ्ट में रूप में आप मेडल लेकर के आई और आपने वो वादा पूरा कर दिया। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, आपने माँ को गोल्ड मेडल दिया है लेकिन उसके साथ साथ देश के बेटे बेटियों को भी आपने नया हौसला दिया, हिम्मत दी है। लेकिन माँ को कैसा लगा जब माँ के सपने आपने पूरे किए और वो भी उनके जन्मदिन के समय? जी हाँ,
सर अगस्त 3 तारीख को मेरे मम्मी का बर्थडे था तो मैं बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रही थी तो हमने वीडियो कॉल पे उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया तो मुझे बहुत दुख लग रहा था कि सारी मेरी फैमिली हैदराबाद में सेलिब्रेट कर रही हूँ मैं अकेली घर से दूर हूँ बट जैसे लोग कहते हैं कि महिला को सोना पहनना अच्छा लगता है तो मैंने भी सोचा था इस बार कि मेरे मम्मी को सोने की चैन गिफ्ट करूँ फिर मैंने सोचा सोने की चैन की जगह मैं क्यों ना गोल्ड मेडल गिफ्ट करूं तो मैंने इसीलिए सोचा था कि इस बार बर्मिंघम में गोल्ड जीत के अपने मम्मी को गिफ्ट करूं मैं लेकिन निखार आपने फाइनल में अपने प्रतिद्वंदी को टिकने ही नहीं दिया यानी सांस भी नहीं लेने दिया आपने उसको जैसा आपने हमला बोल दिया और कोई दबाव के बिना आप अटैक करती जा रही थी आपकी क्या रणनीति थी क्या सोचा था आपने जी सर मेरी फाइनल अपोनेंट आयरलैंड की थी उससे पहले हम कॉमनवेल्थ गेम जाने से पहले हमारा 2 वीक्स का कैंप आयरलैंड में लगा था और मैंने वहाँ पे उसके साथ स्पारिंग की थी तो थोड़ा बहुत तो आइडिया था मुझे उसके साथ कैसे खेलना तो मेरा एक ही था कि रिंग में जब भी जाऊं अपना 100% दूं और कोई भी ऐसा चांस ना दूं कि बाउट क्लोज जाए क्योंकि बॉक्सिंग में ऐसे कई बार होता है क्लोज बाउट में डिसीजन आगे अपोनेंट के फेवर में जाता है तो मेरा एक ही एम था कि अपना बाउट 100% दूं और वो बाउट यूनैनिमस जीतूं तो लास्ट में बस लास्ट बाउट बची थी आगे जान बचा के क्या ही करती मैं तो मैंने सोचा पूरी जान में ये बाउट में लगाती हूँ तो उसी हिसाब से मैंने बाउट खेला और जीता मैंने चलिए निखात आपको बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू सर नमस्ते सर हाँ संकेत बताइए अब चोट का क्या हाल है अभी ठीक है सर अभी सर्जरी होके 6 दिन हो गया है रिकवरी तेजी से हो रही है हाँ जी हो रही है आपको संतोष है जो ट्रीटमेंट मिली उससे हाँ सर बहुत संतुष्ट है सर मेरा लंदन में सर्जरी हुआ और जिसमें साई ने लेकिन आपकी सर्जरी हुई इंग्लैंड में और आप अब पोस्ट ऑपरेटिव सारी ट्रीटमेंट यहाँ कर रहे हो तो दोनों में मेल हो रहा है दोनों डॉक्टरों की टीम के बीच में हाँ जी उन्होंने बोला कि कॉन्फ्रेंस पे सब करेंगे तो क्योंकि आपका आपका खेल ऐसा है ये सबसे मूल्यवान चीज़ है आपकी जी और इसलिए आपको सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव जो चीज़ें हैं उसमें कोई कमी रहनी नहीं चाहिए जी सर मैं भी सरकार के अधिकारियों को बताऊंगा कि लगातार आपके संपर्क में रहें आपका फॉलोअप करते रहें क्योंकि वरना छोटी सी भी कमी आगे चल करके आपको तकलीफ दे सकती है थैंक यू सर संकेत हम लोग गांव में भी जो कहते हैं कि भाई अगर कोई व्यापारी हो तो क्या कहता है भाई बोहनी अगर अच्छी हो गई तो फिर बिल्कुल दिन भी अच्छा जाएगा महीना भी अच्छा जाएगा साल भी अच्छी जाएगी आपने एक प्रकार से बोहनी ये शुरुआत आपने की करवाई थी और देश के लिए इन खेलों का पहला मेडल जीतने पर मैं समझता हूँ कि बोहनी अच्छी शुरू हो गई आपको पहला मेडल ये मन में क्या चल रहा था सबसे पहले तो थोड़ा नाराज था मैं कि गोल्ड मेडल से चूक गया था जो 4 साल से सपना देख रहा था मैं गोल्ड मेडल के पोडियम पे खड़ा होना है और तिरंगा लहराना है वो थोड़ा चूक गया सर तो नाराज था और पेन भी हो रहा था इसलिए थोड़ा वो पेन के ऊपर भी ध्यान जा रहा था तो ट्रीटमेंट के लिए तुरंत चला गया सर जो खिलाड़ी होता है उसको अपने शरीर पर कॉन्फिडेंस भी बहुत होता है उसको होता है मैं कैसे भी अपने आप को लेकिन मेरा सलाह रहेगी वो मिजाज तो रहना ही चाहिए खिलाड़ी का लेकिन जब इंजरी हो जाती है तब उसको कभी भी कम मत आंकना कितने ही आप पहलवान हो मजबूत हो कितने अच्छी एक्सरसाइज कर लेते हो फिटनेस के हर पैरामीटर में बहुत उत्तम हो फिर भी इंजरी होती है तो संभालोगे ना जी सर हाँ चलिए मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको जी थैंक यू सर नमस्ते सर हाँ ज्योत्सना नमस्ते देखिए आप तो करियप्पा जी के परिवार से हैं तो देश को गर्व होना बहुत स्वाभाविक है और आपके परिवार में एक अनुशासन की परंपरा वो तो आपको
आपके ब्लड में है और उसका प्रभाव खेल में कहाँ नजर आया? Sir, I feel very proud to be part of an army family. Growing up, Karyappa sir was a huge inspiration for me. His dedication and service to our country. When I would go visit him as a child, he always had chocolates next to him, and I would ask him, and he said he would only give it to me if I sang the national anthem. So every time I wanted chocolate from him, I had to sing the national anthem, and he was very patriotic, and that really inspired me growing up. अच्छा दोस्तों, आपकी डबल पार्टनर दीपिका और आपकी दोस्त भी है और आपकी प्रतिस्पर्धा भी उसके साथ है, क्या आपको अपना खेल सुधारने में, इम्प्रूवमेंट के लिए दीपिका से क्या लाभ मिलता रहता है और दीपिका को आपसे क्या लाभ मिलता है? So we have had many battles against each other on court, being the number one and two in the country. But when it comes to putting on the India jersey and playing for India, we are both very motivated to play our best, to win medals for India. And she has helped me become a better player because she is so good herself, and it inspires me to give my best every time. चलिए जोशना आपका जोश बना रहे, देश के बेटे बेटियों को भी वो जोश के प्रेरणा मिलती रहे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते सर। सुशीला जी, आपको और आपकी पूरी टीम, वैसे तो हमारी दोनों टीम, पुरुष हॉकी और महिला हॉकी, हर सदस्य, हर कोच, सब कोई बधाई के पात्र है। थैंक यू सर। सुशीला जी, आपकी टीम ने तो मैदान और बाहर दोनों जगह रंग जमा दिया। थैंक यू सर। और मुझे लगता है अब शायद लोग आपकी हॉकी भूल करके आप लोगों के डांस को याद कर रहे हैं। सर, लास्ट टाइम हम टोक्यो में, उस टाइम पे हम हार रही थी, तब हम बहुत रो रहा था। उस टाइम पे सर आपने मतलब कॉल करके मतलब बात किया तो और ज़्यादा मोटिवेशन हो गया, और उसी बार ये जीता तो लास्ट टाइम तो हम रो रहे थे, इसी बार तो हम डांस कर रहे थे, करके हमने चेंजिंग रूम में जाके हमने बहुत डांस किया सर। देखिए, पिछली बार जब आपने आप रोए थे तो सिर्फ आप लोग रोए थे ऐसा नहीं, आपने देश को रुला दिया। लेकिन इस बार मुझे ये आपका उमंग सचमुच में बहुत अच्छा लगा, ये खेल के मिजाज से सुसंगत है, और आपने अपने आनंद को अभिव्यक्त किया बिना लाग लपेट के किया, और ये नया हौसला बनाता है। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को अभिनंदन देता हूं, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। हर टाइम जो एथलीट्स की जो मनोबल उन्होंने बढ़ाते हैं वो बहुत एक बड़ी बात है। सर ने जितना मोटिवेट किया, हमें समझाया कि अभी सिर्फ हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी आगे बहुत कुछ करना है, और जाते हुए भी हमसे मिलके गए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। प्रधानमंत्री सर हमें बोलते हैं, सपोर्ट करते हैं, और हॉकी के लिए एक अलग सी अटैचमेंट दिखती है, तो डेफिनेटली और भी ज़्यादा खुशी होती है। हार जीतना तो होते रहते हैं, तो जीत के आओ, हार के आओ, तब भी सर हर टाइम मोटिवेशन देते रहते हैं। रोज जाने से पहले भी खिलाड़ी से बात करते हैं और आने के बाद भी खिलाड़ी से मिलते हैं, तो बिल्कुल अच्छा लगता है। और मैं जो खिलाड़ी जाते हैं तो मोटिवेट होके वो उधर खेलते हैं कि भाई आप दिल लगा के खेलिए और देश के लिए मेडल जीते। देश के प्रधानमंत्री जब आपके साथ है और पूरा देश आपके साथ है तो मेडल जीतने की खुशी दोगुनी हो जाती है। प्रधानमंत्री ने हमारे खेल का जिक्र किया तो ये हम चारों को बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारी चारों की मेहनत सफल हुई।